सपने की तंबोली के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। निकी तंबोली के भाई का कोविड के चलते हुआ निधन। इस दुनिया को निकी तंबोली के भाई ने कहा अलविदा। निकी तंबोली इन दिनों काफी परेशान चल रही थी अपने भाई की तबीयत के चलते। जहां निकी तंबोली अपने फैंस से अपने भाई के लिए दुआ तक की अपील करती हुई नजर आई थी, जहां फैंस भी निकी के भाई के लिए प्रे करते हुए नजर आए। लेकिन कहते हैं ना, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता और निकी तंबोली के भाई का स्वर्गवास हो गया। जी हां, निकी तंबोली ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है, जहां उन्होंने बताया कि आज उनके भाई का स्वर्गवास हो गया। जी हां, आपको बता दें, निकी के भाई कोविड के चलते काफी परेशान थे और उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वहीं आपको बता दें, निकी के भाई एक लंग्स पर जी रहे थे, वहीं रजिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस भी था। इन सब बातों की जानकारी निकी ने अपने सोशल मीडिया पर दी है और ये भी बताया है कि निकी के भाई काफी सालों से परेशान थे अपनी तबीयत के चलते। और लेकिन वही बात कही जाती है कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता और इस बात से रूबरू थी निकी तंबोली। वहीं निकी तंबोली अपने भाई के लिए इमोशनल पोस्ट भी लिखती हुई नजर आई। खैर, निकी तंबोली के इस पोस्ट के बाद कई सेलेब्स ने उन्हें मोटिवेट किया और उनके भाई के लिए प्रे करते हुए नजर आए। जैस्मिन बसीन से लेकर अभिनव शुक्ला से लेकर अर्जुन बिजलानी तक उनके भाई के लिए प्रे करते हुए नजर आए। वेल, उनके भाई के लिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आप भी देखें ये कमेंट्स। खैर, टेली रिपोर्टर की पूरी टीम की तरफ से निकी तंबोली के भाई के निधन पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इस मुश्किल वक्त में निकी तंबोली को सहन शक्ति मिले, जिससे कि वो अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सके। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।